कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां 14 अप्रैल तक पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाकर जिला व प्रदेश की सीमाओं पर आवाजाही को सील किया गया है। ऐसे में लोगों तक वायरस की पहुंच ना पहुंचे, इसके लिए सफाई कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर शहर को स्वच्छ रखने व सैनिटाइज करने का काम बखूबी निभा रहे हैं। सफाई कर्मियों की इस कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए बिलासपुर नगर परिषद ने एक शानदार पहल करते हुए शहर को स्वच्छ रखने वाले 60 सफाई कर्मियों को एक माह का राशन और एडवांस सैलरी सहित 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी है, ताकि सफाई कर्मचारियों के परिजनों को खाने पीने से संबंधित किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। नगर परिषद बिलासपुर के कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए ही पूर्ण रूप से सैनिटाइज करने में सफाई कर्मचारी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे वे जान जोखिम में डालकर पूरा भी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए नगर परिषद ने उन्हें ये सुविधा देने की पहल शुरू की है। वहीं नगर परिषद की अध्यक्षा सोमा देवी ने बताया कि सफाई कर्मियों को दिए गए इस सम्मान से उनका मनोबल बढ़ेगा, तो वहीं शहर को स्वच्छ रखने में वे और भी बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। नगर परिषद के सफाई कर्मी हैं, वो लगातार अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी जान को आगे रख करके सुबह शाम वो दोनों टाइम सफाई करते हैं, डोर टू कलेक्शन करते हैं और पूरे शहर को सैनिटाइज कर रहे हैं। हाइपोक्लोराइड का जो है छिड़काव किया जा रहा है और इनका जितना भी मैं कहूँ योगदान कम है जितना भी कहूँ, क्योंकि ये दिन रात जब भी मैं बुलाती हूँ तभी ये सामने आ जाते हैं और अपना काम कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक काम निभाते हैं। इस करके हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि क्यों ना हम इनके लिए जो है वो थोड़ा सा मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं और नगर परिषद द्वारा जो है अभी इनको एक महीने का राशन जो है वो तीन तीन दालें, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और तेल इत्यादि जो है एक एक पैक बना के लगभग 60 लोगों को हमने दिया, ताकि ये अपना जो घर की जो घर की रोटी रोटी का साधन है वो चलता रहे। और हमने इनका जो है जो पेमेंट है वो भी अग्रिम इनको इनके खातों में डाल दी है, ताकि इनके घर में कोई किसी तरह का कोई इस तरह शिकार ना हो जो भूख इत्यादि से तंग हो, तो इस करके हमने डाल दिया है। बाकी 1500 रुपये गवर्नमेंट ने कहा है कि इनके खाते में डालने हैं, वो एक्स्ट्रा से इनके खाते में डाल देंगे ताकि इनका घर परिवार सुविधा से चल सके।